आप सभी का। आप देख रहे हैं आठ की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी जानकारी आपको आजमगढ़ से दे। आजमगढ़ में स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया। सपा सरकार में आतंकियों के अड्डे के रूप में प्रसिद्ध था आजमगढ़ और आजमगढ़ से कभी आतंकवादी निकलते थे, ये बड़ा बयान स्वतंत्र देव सिंह ने दिया है। आजमगढ़ अब आर्यमगढ़ बनने वाला है, इसके संकेत पहले मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं और उसी बात को स्वतंत्र देव सिंह ने भी दोहराया है। आजमगढ़ अब आर्यमगढ़ बनने वाला है और स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में आतंकियों का अड्डा रहा है, ये आतंकियों के अड्डे के रूप में प्रसिद्ध रहा है। सपा सरकार में आतंकियों के अड्डे के रूप में प्रसिद्ध था और आजमगढ़ से कभी आतंकवादी निकलते थे। बहुत बड़ा बयान स्वतंत्र देव सिंह का आप कह सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि अखिलेश यादव की क्या इस पर प्रतिक्रिया रहती है, क्या इस पर वो पलटवार करते हैं। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री के बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आजमगढ़ अब आर्यमगढ़ बनने वाला है, इसके संकेत मुख्यमंत्री पहले दे चुके हैं, कई बार जनसभाओं में इसका जिक्र कर चुके हैं और अब स्वतंत्र देव सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अब आर्यमगढ़ बनने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने सपा सरकार पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि कभी सपा की सरकार में आतंकियों के अड्डे के रूप में ये प्रसिद्ध था, यहां से आतंकवादी निकलते थे। और स्वतंत्र देव सिंह का पूरा बयान क्या रहा है सुनते हैं। आप लोग कल्पना करिए, जो भूमि कवि ऋषियों के लिए प्रसिद्ध थी वो भूमि सपा शासन में आतंकियों के लिए अड्डे के लिए प्रसिद्ध हुई थी। मित्रों, हाल में माननीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, इस भूमि पर बनने वाले विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा है और इस विश्वविद्यालय का नाम महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय होगा। ये पूरे विश्व में शक्तिशाली योद्धा सुहेलदेव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस आजमगढ़ में कभी दुनिया भर में आतंकवादी तैयार निकलते थे, आज उस आजमगढ़ में शिक्षित युवा तैयार निकलेंगे और पूरे देश और दुनिया को दिशा देंगे। और चलिए इस बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। अचानक नील गाय सामने आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला है। अचानक नील गाय सामने आने से कार दुर्घटनाग्रस्त और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हो गए। 2022 के चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और अब आज से वो अपने बुंदेलखंड मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से वो अगले तीन दिनों तक बुंदेलखंड के दौरे पर ही रहेंगे। अखिलेश इस मिशन के दौरान अपनी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। आज अखिलेश यादव बांदा आएंगे, यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो विजय रथ पर सवार होकर महोबा पहुंचेंगे। बुंदेलखंड के महोबा के जिस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, अब उसी मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंचने वाले हैं और यहां पर एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय निगम मौजूद है मेरे सहयोगी। अभय, आज अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, बड़े कार्यक्रम की तैयारी की गई है, क्या इस वक्त वहां पर तैयारी आप देख पा रहे हैं? कार्यकर्ता क्या वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं? जय, आपको बता दें कि कार्यकर्ता तैयारी तो लगभग यहां पूरी हो चुकी है जीआरसी मैदान में, जहां पर उनको रैली करनी है और अब यहां पर आके वो जो तैयारी है वो लीडर आके यहां का जायजा ले रहे हैं कि तैयारी में कहीं किसी तरह की कमी नहीं ले जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्योंकि 2017 में बुंदेलखंड की सभी सीटों पे भाजपा का कब्जा हो गया था, इसलिए अब कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर घेरने की तैयारी करेंगे आज अखिलेश। इसके लिए भी यहाँ पर इस मैदान में पूरी व्यवस्था की गई है।
आपको मैं दिखा दूं कि मंच के पास ही जहां पर उनको रैली को संबोधित करना उसी के पास ही आपको गैस सिलेंडर का प्रतीक दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं वो महंगाई के मुद्दे को यहां से उठाएंगे बुंदेलखंड से और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी होगी। जया यहाँ से वो महंगाई सहित जितने भी मुद्दे हैं, यहाँ किसानों का मुद्दा है, महंगाई है, इन सभी मुद्दों पर भाजपा को घेरेंगे यहाँ से। इसके लिए भी ये तैयारी की जा रही है। जी जी, अभय अखिलेश यादव कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे, क्या बताया जा रहा है? जय, यहाँ पर 11:45 पर अखिलेश का हेलीकॉप्टर, वो 10:45 पर अखिलेश का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा। इसके बाद वो अपने विजय रथ पर सवार होके सीधे इस मैदान पे आएंगे, लोगों से संपर्क। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देगी योगी सरकार, ये बड़ी खबर आपको बता दें। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से मिलेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट, बड़ा फैसला सरकार का। डीजी शक्ति पोर्टल पर 27 लाख छात्रों का डेटा अपलोड किया गया और छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए नहीं करना होगा पंजीकरण। और अब बात एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट की करेंगे। आज बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए वोटिंग होगी और इस वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव के लिए हाईकोर्ट कैंपस में मतदान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है। आपको साथ ही ये भी बताएं कि मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं, साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। इस चुनाव में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जाएगी और अगर वोटिंग की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे होगी। 5 अलग अलग बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ बैलेट पेपर की प्रत्याशियों की तस्वीर की भी व्यवस्था की गई है कि बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की तस्वीर लगी होगी। सुबह 9 बजे का समय बताया जा रहा है वोटिंग के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एबीपी गंगा की ये खास रिपोर्ट। जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग तेज है, वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर जोर आजमाइश जमकर हो रही है, क्योंकि इस बार सभी पदों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन सबकी निगाहें अध्यक्ष और महासचिव के उम्मीदवारों पर है। अध्यक्ष पद पर इस बार 7 और महासचिव पद पर 10 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए डाले जाएंगे मतदान, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस बार के चुनाव में तकरीबन 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9600 से ज्यादा वोटर इन उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस बार के चुनाव में 20 बूथ बनाए गए हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो महिला वकील हैं, उनके लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। बाकी जो वोटर्स हैं उनके लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। इस बार बैलेट पेपर पर जो उम्मीदवार हैं उनकी फोटो भी होगी। 5 अलग अलग तरीके के बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो और पूरी ईमानदारी के साथ हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और CRPF की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही वोटर्स के लिए ड्रेस में आना और बार एसोसिएशन का पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि टोटल पद हमारे जो हैं उस पर टोटल प्रत्याशी 199 हैं, 199। लॉयर्स का चुनाव है, 10,000 वोटर्स हैं। इंतजाम ये है कि हर वोटर को ड्रेस कोड में आना है, अपने आई कार्ड के साथ आना है। आई कार्ड सिर्फ बार एसोसिएशन का मान्य है, फोटो कॉपी हम उसकी नहीं लेंगे, आई कार्ड देखेंगे, उसके बाद उसे हम परमिट करेंगे। इस बार के चुनाव में 9,946 वोटर मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं और सीनियर एडवोकेट्स के लिए 2 अलग अलग बूथ बने हैं, लेकिन बार एसोसिएशन को लेकर वोटर्स में गजब का उत्साह है। सबके अपने अपने उम्मीदवार हैं, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। चुनाव एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमें सब अधिवक्ता बंधु एक साथ मिलकर बहुत ही बगैर किसी द्वेष के एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं और बहुत ही आनंद
दायक क्षण होता है चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए। यहाँ हम लोग जो है अपने सम्मान और अधिवक्ता भाइयों की गरिमा बनाने के लिए जो है प्रत्याशियों का चयन करते हैं, जो हाई कोर्ट बार को मजबूत करेगा हम लोग उसी को मतदान करेंगे। और यहाँ जो है बहुत अच्छी व्यवस्था पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छी है। आज वोटिंग होने के बाद कल यानी 2 दिसंबर से रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच वोटों की गिनती होगी। इस तरह से वोटों की गिनती करीब हफ्ते भर चलेगी, मतलब हर दिन धड़कने तेज होंगी और हर दिन ढलती शाम के बाद अगली सुबह का इंतजार होगा और तब जाकर साफ होगा कि वोट की कसौटी पर कौन पास हुआ और कौन फेल। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, ABP गंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त प्रयागराज से मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है, 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, किस तरीके की तैयारी है, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? देखिए, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो वोटर्स हैं वो पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये ठीक सामने पोलिंग सेंटर है, 20 बूथ बनाए गए हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। 28 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव होना है। कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,646 वोटर जो है वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खास इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं, सुरक्षा को लेकर ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। CRPF की निगरानी में, CRPF की देखरेख में चुनाव होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई खास इंतजाम किए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, सेंसर युक्त कैमरे लगाए गए हैं। और ये पहला मौका है जब वोटर लिस्ट में जो उम्मीदवार हैं उनकी कलर्ड फोटो लगाई गई हैं। जो वकील हैं, जो वोटर हैं, उनको अपने ड्रेस में आना होगा, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का परिचय पत्र साथ लाना होगा। और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इस बारे में हम बात करते हैं चुनाव से जुड़े हुए जयशंकर जी से। जी बताइए कि किस तरीके की खास तैयारियां की गई। मैं जयप्रकाश तिवारी, एशिया के सबसे बड़े बार का चुनाव हो रहा है, अनिल तिवारी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, 9 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तरीके के खास इंतजाम किए गए? CCTV कैमरे से एकदम पूरा परिसर एकदम लबाबोर है और CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था एकदम चौप चादर से। अनिल तिवारी भी आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो चुनाव अधिकारी हैं अनिल तिवारी जी, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके के खास इंतजाम इस बार किए गए? आप देखिएगा, मैं इतना कह सकता हूं कि एक भी आदमी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इस सिक्योरिटी है। और जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का है कि डुप्लीकेट वोट कोई डाल नहीं सकता, एक वोट से ज़्यादा कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि बैलेट सिस्टम के साथ साथ टोकन सिस्टम है, टोकन नहीं मिला तो बैलेट नहीं पड़ेगा। सेंसर युक्त कैमरे लगाए हैं वो इसलिए कि जैसे ही बैलेट लेंगे वैसे ही उनकी फोटो क्लिक हो जाएगी। एक काउंटर बिल्कुल मोइन, देखिए दावे भी किए जा रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी भी तरीके की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात किसानों के आंदोलन की कर लेते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और इसी किसान आंदोलन के आगे के भविष्य के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में किसान आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय होगी। 4 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले आज दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पास होने और विपक्ष की ओर बिल पास होने में हंगामे को लेकर बैठक बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से MSP कमेटी के लिए 5 नाम देने को कहे गए हैं और इस पर 4 दिसंबर वाली बैठक में चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 2 संवाददाता हमारे मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से बलराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शक्ति सिंह गाजियाबाद बॉर्डर से मौजूद हैं हमारे साथ। शक्ति, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्या माहौल वहां पर है? आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, लगातार अब बैठकों के दौर जारी हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, बात करते हैं। राकेश जी, आज भी SKM की एक मीटिंग है, 11 बजे बुलाई गई है सिंघू बॉर्डर पर।
उस मीटिंग में आखिर आज क्या है, 4 तारीख की जब SKM की पहली एक बैठक के लिए घोषणा कर दी गई थी तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं कहना ये भी है कि सरकार ने हमारी सारी बातें मान ली है, 5 नाम मांगे हैं सरकार ने। सरकार ने नाम कहीं के लिए मांगे, सरकार जब इतनी धोखा दे रही है ना पूरे देश को, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नाम मांग लिए, नाम कहीं के लिए मांगे। हमको कमेटी के मकर जाल में SKM को नहीं फंसना चाहिए। अच्छा, SKM को नहीं फंसना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जारी है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या मतभेद शुरू हो गया किसानों के, जितने भी किसान मोर्चे? कोई मतभेद नहीं शुरू हो गया, कोई मतभेद नहीं भाई। मीटिंग तो ये है कि हम तो चाय पे भी वो करें, ये भी यहाँ पे आप देखोगे ये भी मीटिंग चल रही सुबह सुबह, और यहाँ पे भी SKM के लोग हैं, तो ये थोड़ा होगा कि ये मीटिंग फाइनल होगी। आप बैठेंगे, कोई किसान को गूंगा थोड़ा है कि वो बैठकर अपनी बात नहीं करेगा, अपनी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या चल रहा, सरकार ने कहाँ तक कर दिया, क्या हो रहेगा, इसका आगे कैसे समाधान निकले, तो इन सब चीज़ों पर चर्चाएं होती रहती है। वहीं सिंधु बॉर्डर से ये कहा गया कि सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं, और जो ऑन टेबल की आप बार बार बात कर रहे थे, अब उस ऑन टेबल पर बैठ के सरकार से बात होगी, लेकिन 5 नाम मांगे हैं। 5 नाम वो आखिर कौन से होंगे, उसमें राकेश टिकैत का नाम होगा, किस किस का नाम होगा, राकेश जी से जानना चाहते हैं। बताओगे, ये सरकार उड़ जाने का काम कर रही है, बचना अभी इसमें सलाह करेंगे क्या आएगा। 5 नाम कहीं के लिए मांगे, MSP पे गारंटी कानून बने, सरकार बनाए और उसकी फिर कमेटी बने, ये कह रहे जी 5 नाम दे दो कि हम MSP पे कानून बनाना है, उसके लिए मांग रहे। तो कानून बाद में बनेगा या कानून पहले बनेगा, बहुत इनके पास में कोई ना कोई आदमी प्लानर है जो प्लान करके देता है इनको। अगर जी आप ये चीज़ देखो, और देश की जनता का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, इसमें समझेंगे इनका गेम क्या है। लेकिन अगर प्लानर की बात की जाए तो प्लानर के चलते आपका जो काम था, जो बिल थे, वो वापसी हो गए, अब जो और मांगों के लिए वो सहमति लगातार बनती जा रही है, मुकदमों की बात भी सरकार ने मान लिया, राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेज दिया, तो कहीं ना कहीं इस बात से अभी तो बात कर रहे हैं, बैठ कर कहाँ दे दिए, किसी का मुकदमा वापसी हुआ नहीं हुआ, कहाँ दे दिए, क्या है, कोई आने का तो बता होगा, कोई वैसे ही हवा में ही तीर चला रहे। राकेश जी, ठंड में शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, ठंड आ गई है, पर्चे भी हाथ में आने लगे हैं, जिन कागज की आप बात कर रहे थे कि जब बिल वापसी कागज, अब तो हाथ में आने लगे हैं, आने लगे अभी, अभी हवा में बातचीत चल रही है, अभी आल लगेंगे तो जाल लगेंगे। अच्छा राकेश जी, अगर बात की जाए किसान आंदोलन की और सिंधु बॉर्डर की, तो सिंधु बॉर्डर से अब काफी किसान वापस जाने लगे अपने घर, वो कहने लगे कि हाँ हम जिस मकसद के लिए आए थे हमारा काम हो गया है, सरकार ने हमारी बात मान लिया, सरकार का शुक्रिया था। प्रेस और सरकार तो पिछले 1 साल से भेज रही उन्हें घर पे, वो तो 1 साल से भेज रही, ऐसा कितनी पब्लिक थी जो 1 साल से जाने जाने लग रही, आते हुए कोई हिंदी खाता जाते हुए को दिखा। आपने ही तो कहा था कि जाते भी रहते हैं और आते भी रहते हैं, घर पे काम करने जाते हैं, आपने तो कहा था, तो हम तो वही दिखाते हैं। नहीं, आते हुए को नहीं दिखाते, आप जाते हैं तो वही दिखाते हैं, जब आते हैं वो भी दिखाते हैं, कोई नहीं जा रहा, सब यही है, और जब तक इसका समाधान नहीं होगा पूर्ण रूप से। देखिए शक्ति, हर बार की तरह इस बार भी राकेश टिकैत जवाब नहीं दे रहे हैं और कुछ भी अभी वो साफ नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक बात तो वो साफ लगातार कर रहे हैं कि जब तक कागज उनके हाथ में नहीं होता है, जब तक और भी मांगे नहीं मान ली जाती है, तब तक वो हटने वाले नहीं है। अब सिंघु बॉर्डर का रुख करती हूँ, बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बलराम, क्योंकि आज यहाँ पर बैठक होने जा रही है, रणनीति बनेगी यहाँ पर, तो क्या व्यवस्था, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और कब बैठक शुरू होगी? देखिए, अगर बैठक की बात करें तो 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक सिंधु बॉर्डर पर होगी और इस बैठक में काफ़ी अहम निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि जो किसान हैं उनका कहना है कि सरकार ने काफ़ी हद तक उनकी बातें मान ली हैं, इसलिए अब आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। लेकिन कुछ धड़ा ऐसा है जो अभी भी डटा हुआ है कि नहीं, हमारा आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, और जब तक सरकार सभी बातों को पूरी तरह से मान नहीं लेती है तब तक किसान वापस ना जाएं। तो
तो कहीं ना कहीं अब किसानों में गुट बटते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होनी थी, लेकिन आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी संयुक्त किसान मोर्चे को, क्योंकि किसानों में अब गुटबाजी होने लगी थी सरकार के ऐलान के बाद, क्योंकि सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार ने दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून के वापसी को लेकर के जो बिल पटल पर रखा था उसे पास करा लिया, लेकिन उसी दौरान जो विपक्ष ने हंगामा किया है उसको लेकर के भी किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। किसानों ने कहा कि जब सरकार एक साल से बता रही थी कि बिल में ये अच्छाई है और विपक्ष बता रहा था कि बिल में ये कमी है, तो जब बिल वापसी को लेकर के सरकार पटल पर आई तो उस समय हंगामा करने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं कई पहलुओं पर आज चर्चा होनी है इस बैठक में, और बैठक के बाद तय होगा कि आखिरकार किसान आंदोलन समाप्त तो होगा या फिर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर बलराम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक साल से ज्यादा का। बिल्कुल साफ तौर पर बलराम ये देखने को मिल रहा है कि आज यहाँ से आंदोलन का भविष्य तय होगा। हालांकि आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वहां पर चहल पहल अब बढ़ने लगी है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी जानकारी आपको मथुरा से दें। मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। 6 दिसंबर को होना था बाल गोपाल का जलाभिषेक कार्यक्रम। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने, धारा 144 के लागू होने और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सुरक्षा का उन्होंने हवाला दिया है। 6 दिसंबर को लेकर लगाई गई थी धारा 144, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और हिंदूवादी संगठनों की अनुमति को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। और आपको बताएं कि मथुरा के हालात अच्छे नहीं है, केंद्र को ऐसी रिपोर्ट भी सौंपी गई है जिसके बाद अब इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है।